अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सनराइज। मैं हूं शनाज और आज हम इस तरह की बूटीज बनाएंगे जो साइज नंबर 5 और 6 वालों के लिए है। बड़ा या छोटा आप बना सकते हो, बहुत ही ज्यादा इजी है। इसके लिए मैंने 4 ply वूल का इस्तेमाल किया है और 10 number नीडल ली है। तो इस तरह की वूल है जी, प्लाई जो है वो मैंने आपको बता दी है। नीडल्स जो हैं ये देखें, ये हैं 3.25। तो इसको जो है 10 number नीडल्स भी बोलते हैं। इस तरह से 10 number की नीडल, इसके ऊपर भी आप इसको बना सकते हो, बहुत ही ज्यादा इजी है। तो जो भी साइज आपने बनाना है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं कि उसके लिए कितने स्टिच जो है वो डाले जाएंगे और कितनी जो है उसकी लंबाई चौड़ाई रखी जाएगी। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के बटन को दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिल सके। चलिए अब हम इसको बनाना शुरू कर लेते हैं। 2 उंगलियों की मदद से वूल को इस तरह से मोड़े और 1 loop बना लें। इसे नीडल में उतार लेना है ऐसे, और ये जो धागा है इसे आपको खींच देना है और ये धागा टाइट किसी चीज में लपेट लेना है। तो वूल को इस तरह से मोड़े और फंदे बनाते जाए। फंदे हमने बनाने हैं 49। सीधा सीधा हमें बुनना है। फर्स्ट फंदे को बिना बुने उतार लेना है और अगले फंदे से बुनाई करना शुरू कर देना है सीधा सीधा। लास्ट का स्टिच हम उल्टा करके बुनेंगे और जब रो को शुरू करना है तो ये वाली स्टिच को हमें बिना बुने इस तरह से निकाल लेना है और फिर बुनाई शुरू करनी है। और लास्ट का स्टिच हम उल्टा करके ही बुनेंगे जब भी हमें सीधे सीधे बुनाई करनी है। तब अगर उल्टा उल्टा करोगे तो फिर हमें ये जो फंदा है वो सीधा करके बुनना है। तो इस तरह से 2 row बुनने के बाद अब हम इसमें कलर ऐड करेंगे और फर्स्ट फंदे को हमें बिना बुने निकाल लेना है और अगले फंदे से हम जो है कलर ऐड करेंगे। और यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ, जब भी आप कलर को लगाएं तो जो एक्स्ट्रा धागा होता है तो उसे साथ में फोल्ड कर लिया करें ताकि इसकी फिनिशिंग जो है वो अच्छी आए ऐसे। अभी लास्ट का जो स्टिच होगा वो चेंज होगा क्योंकि अभी हम बुनाई आगे कि हम 1 row सीधा और 1 row उल्टा बुनेंगे। ये देखें, ये लास्ट का स्टिच है, इसे भी सीधा ही बुनेंगे क्योंकि अगला रो जो है वो हमें उल्टा बुनना है और फर्स्ट फंदे को बिना बुने उतारना है और अगले फंदे से बुनाई को शुरू कर लेना है ऐसे। अभी यहां पर देखें, लास्ट का स्टिच हम उल्टा ही बुनेंगे। जब भी उल्टा सीधा हमें बुनाई करनी है तो लास्ट के स्टिच को सेम वैसे ही बुनना है जैसे हम पीछे से बुनते आ रहे हैं। अभी हम इसमें डालेंगे डिजाइन। ये 2 row हमारे उल्टा सीधा बुनाई के हो गए हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमें 4 फंदों का जो है इस तरह से ग्रुप चाहिए होता है, 4 फंदों का। तो जब भी आप जो है फंदे डालेंगे तो 4 फंदों के ग्रुप के हिसाब से ही डालेंगे, ठीक है। फर्स्ट फंदे को हमें बिना बुने उतार लेना है और अगले फंदे से जो है ये जो धागा है इसे ऊपर की तरफ हम इस तरह से मोड़ देंगे और 1 stitch बुनेंगे। फिर से हमें ये वाला जो धागा है इसे ऊपर की तरफ मोड़ देना है और अगला स्टिच बुन लेना है। 4 stitch हम इसी तरह बुनेंगे, ठीक है। और 5वां जो स्टिच है उसे हमें क्रीम रंग के साथ बुनना है सीधा, ठीक है। अभी हमें 3 stitch बुनने हैं और 1 stitch को क्रीम रंग से बुनना है। और ये जो धागा है ये हम ऐसे ही फोल्ड करते जाएंगे, ठीक है। 1, 2, 3 चौथा जो स्टिच होगा वो हमें क्रीम रंग के साथ बुनना है। बहुत ही ज्यादा आसान ये बुनाई है, बिगनर्स भी ध्यान से अगर इसको देखेंगे तो बड़े ही आराम से आप इसको बना लोगे। बहुत इजी है, बहुत ही ज्यादा इजी है और खूबसूरत लगता है बनने के बाद। 1 stitch हम
क्रीम कलर के साथ बनेंगे और लास्ट में हमारे पास बच गए चार फंदे जैसे हमने शुरू में किया था। तो यहाँ पर भी हमें सेम ही प्रोसेस दोहराना है, धागे को लपेटना जरूर है और लास्ट का स्टिच जो होगा वो आपको सीधा ही बुन लेना है ऐसे। तो धागा आपका इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये खोलने की जरूरत नहीं है, अभी जब हम ये वाला रो बुनेंगे तो ये सारा खुल जाएगा अपने आप ही। जब उल्टा रो बुनना है तो हमें सेम वैसे ही दोहराना है, फर्स्ट फंदे को बिना बुने उतारेंगे और अगले फंदे से बुनना शुरू करेंगे उल्टा इस तरह से, और धागे को हम इस तरह से एक दूसरे के ऊपर से क्रॉस करेंगे, ठीक है, ऐसे सेम वैसे ही जैसे हमने सीधा रो बुना है ना, तो वैसे ही धागे को एक दूसरे के ऊपर करेंगे। और ये जो पीछे हमारा धागा एक दूसरे के साथ लिपट गया है तो वो खुलना शुरू हो जाएगा अपने आप, और ये क्रीम रंग का जो स्टिच है क्रीम रंग के साथ बुन लेंगे और ये कलर। बस तीन स्टिच उल्टे और तीन एक स्टिच जो है वो हमें उल्टा ही बुनना है, यानी कि उसमें हमें कलर चेंज कर लेना है और कुछ नहीं। ये आप याद रखिएगा कि आपको इस तरह से इसको लपेटना है धागे को। अभी क्रीम रंग का है तो क्रीम रंग का हम स्टिच इस तरह से बुन लेंगे और धागे को यूं ही रखेंगे, यहाँ लपेटने की जरूरत नहीं है। तो ये कलर हमारा ऊपर आ जाएगा तो धागे को हम इस तरह से लपेट देंगे फिर से और ये वाले स्टिच के साथ अगला स्टिच बुन लेंगे, ठीक है। तो उल्टी साइड से जो है आपकी फिनिशिंग वैसे ही नजर आएगी जैसे सीधी साइड से फिनिशिंग होगी ना, तो इस तरह से करने से ये देखिए, ठीक है। तो ये जो है ये अपने आप खुलना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे ही इस रो को पूरा करेंगे। ये लास्ट का स्टिच है, इसे हम ऐसे ही बोलेंगे। ये देखेंगे ये रो कुछ इस तरह से नजर आएगा और धागा देखें ये बिल्कुल अलग अलग हो गया है। अभी अगला रो हमें एक ही कलर के साथ बुनना है और उसे हम सीधा सीधा ही बुनेंगे, और ये जो स्टिच है इसे भी हम सीधा ही बुनेंगे। फर्स्ट फंदे को बिना बुने उतारेंगे और अगले फंदे से बुनाई शुरू कर देंगे सीधा सीधा बुनना। ये स्टिच भी हम सीधा ही बुनेंगे। सीधा सीधा बुनते हुए ये रो हमने कंप्लीट कर लिया है, लास्ट का स्टिच भी हमें सीधा ही बुनना है। ये देखिए ये इस तरह से कुछ डॉट से बन जाएंगे। अभी हमें एक रो उल्टा बुनना है पूरा और फिर एक रो सीधा बुनना है, फिर एक रो उल्टा बुनना है, यानी कि अभी हम एक ही कलर के साथ चार रो बुनेंगे, ठीक है। एक हमें बुन लिया है और ये दूसरा है। यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो धागा हमने लपेट कर डिज़ाइन बनाया है, जो उल्टी तरफ से हमने धागा लपेटा हुआ दिखाया है ना, वो सीधी तरफ से थोड़ा थोड़ा नज़र आएगा, ऐसे जैसे स्पार्कल होता है ऐसे वो कहीं कहीं दिखाई ज़रूर देगा। अभी हमें डिज़ाइन सेम ऐसे ही दोहराना है जैसे हमने यहाँ पर बुना है, लेकिन ये जो है इसे हम यहाँ पर बीच में लाएंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर दो फंदे बुनने हैं और यहाँ पर हमें क्रीम रंग का स्टिच बुनना है, फिर तीन बुनने हैं और यहाँ पर हमें क्रीम रंग का स्टिच बुनना है, ठीक है। बस यही चेंज है और कुछ नहीं। छह रो का ये डिज़ाइन है, छह रो को ही आपको बार बार जो है दोहराना है। धागे को इस तरह से क्रॉस करना मत भूलिएगा, ये आप याद रखिएगा। दो स्टिच हमने बुन लिए सीधे और यहां पर हम बुनेंगे क्रीम रंग का स्टिच, ये बीच में आ जाएगा। अभी हमें तीन स्टिच बुनने हैं, और चौथा स्टिच हम बुनेंगे क्रीम रंग के साथ। फिर हम तीन स्टिच बुनेंगे। देखिए ये
इस तरह से हम क्रॉस कर रहे हैं थाली को, और ये आपको करना है जरूर। ये देखिए ऐसे, और चौथा स्टिच क्रीम रंग के साथ। फर्स्ट फंदे को बिना बुने उतारना है और अगले फंदे से फिर से हमें बुनाई को शुरू कर देना है और धागे को क्रॉस जरूर करना है। तो इस तरह से ये उल्टी साइड से नजर आएगा और सीधी साइड से ये कुछ इस तरह से नजर आएगा, ठीक है। अभी हमें एक रो जो है इस कलर के साथ सीधा सीधा बुन लेना है, फिर एक और बुनेंगे, फिर एक और बुनेंगे, फिर एक बुनेंगे और फिर से इस वाले डिजाइन को आगे दोहराएंगे, ठीक है। तो ऐसे ही हमें ये 6 रो दोहराते जाना है आगे। तो मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको आगे दिखाती हूँ। अभी हमारे पास ये 20 रो हो गए हैं, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, ये क्रीम रंग के धागे को यहीं पर हम कट कर देंगे। जब हमें 21वां रो बुनना है तो इसको हमें साथ में लपेट लेना है धागे को। अभी आगे की बुनाई हमें उल्टा सीधा भी नहीं बुननी है, तो यहाँ पर देखें, यहां से हम शुरू करेंगे और साथ ही साथ ये वाला जो धागा है इसे ऐसे लपेट लेंगे साथ में, ठीक है। धागे को लपेटते जाएं और बुनते जाएं सीधा सीधा। याद रहे ये 21वां रो है। अभी इसके टोटल रो जो है वो 21 हो गए हैं, और अगर हम इसका मेजरमेंट करें तो इसकी लंबाई जो है 5.5 सेंटीमीटर तक हो गई है, ठीक है। तो आगे की जो बुनाई है वो हमें सीधा उल्टा नहीं बुननी है, इसे हम सीधा सीधा ही बुनेंगे ऐसे। फर्स्ट रो को हम बिना बुने निकालेंगे, धागे को पीछे करेंगे, सीधा सीधा बुनेंगे। तो यहां से हम फिर से जो है गिनती करेंगे, और ये फर्स्ट रो सीधा सीधा बुनते हुए हमने कंप्लीट कर लिया है, और लास्ट का स्टिच हमें उल्टा करके बुनना है। जैसे हमने यहां पर शुरू में ये वाले 2 रो बुने थे ना, सेम ऐसे ही यहां पर बुनने हैं, ठीक है। ये देखिए, ये यहां पर इस तरह से नजर आएगा। तो अभी आगे की बुनाई जो है वो हमें इसी तरह करनी है, तो ऐसे ही सीधा सीधा बुनते हुए इसको आगे कंप्लीट करेंगे। तो मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आगे बताती हूँ। यहां से लेकर यहां तक मैंने 32 रो बुने हैं, और अगर हम टोटल लंबाई इसकी मेजरमेंट करें तो इसकी लंबाई जो है वो ये देखें 12 सेंटीमीटर तक हो गई है। 6.5 यहां तक है, ये देखें, ये वाली 6.5 है और ये 5.5 थी, तो टोटल 12 सेंटीमीटर तक हो गई है। और एक बार हम इसकी लाइनें भी गिन लेते हैं जो अभी हमने बुनी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो ये 16 लाइनें हैं। अभी हमें आगे क्या करना है, आगे हमें ये वाले पैटर्न को इसको सेम यहां से यहां तक सेम दोहरा लेना है ऐसे ही, ठीक है। तो मैं इसे कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे बताती हूँ। यहां से लेकर यहां तक मैंने 15 रो बुने हैं। अभी हमें क्या करना है, ये वाले 2 रो जो है हम इस कलर के साथ बुनेंगे। एक हम सीधा सीधा बुनेंगे और फिर एक उल्टा उल्टा बुनेंगे, और फिर उसके बाद हम क्रीम कलर के साथ 4 रो बुनेंगे, ठीक है। तो यहां पर इस तरह से आपको याद रखना है,
तो यहाँ से सीधा सीधा उठते हुए एक रो कंप्लीट करते हैं। अभी ये 16 रो है जो हम पूरा कर रहे हैं। याद रहे यहां से हमने गिनती है। अभी एक रो उल्टा उल्टा बुनते हुए पूरा करेंगे। ये 17वां रो था जो अभी हमने बुना है। अभी हमें क्या करना है, ये वाले धागे को थोड़ा लंबा रखेंगे और कट कर देंगे। अभी आगे की बुनाई जो है वो हम इस धागे के साथ सीधा सीधा बुनते हुए करेंगे। वो देखिए किस तरह से, और लास्ट का जो स्टिच होगा उसे हम उल्टा करके बुनेंगे ऐसे। एक और रो सीधा सीधा बनेंगे। अभी ये 20वां रो है जो हम बुन रहे हैं, ठीक है। और जब 21वां रो होगा तो उसमें हम बंद कर देंगे सारे फंदे। अभी हम पूरे रो को बंद करेंगे, और बंद करने का तरीका कुछ इस तरह से है। फर्स्ट फंदे को आपको निकालना है और अगले फंदे को आपको बुन लेना है, और पीछे के फंदे को इस तरह से उठाएंगे और आगे के फंदे को उसके बीच में से निकाल देना है। फिर से देख लीजिए, एक फंदा बुनेंगे और पीछे के फंदे को उठाएंगे नीडल में ऐसे, और आगे के फंदे को बीच में से निकाल देना है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको बंद करेंगे। एक्स्ट्रा धागा रख करके आपको इसे कट कर लेना है, और लास्ट का जो स्टिच होगा उसके बीच में से सारे धागे को पास कर देंगे, और इसी के साथ हम स्टिचिंग भी कर लेंगे। यहां से लेकर यहां तक टोटल रो जो है वो 72 हो गए हैं। अभी हम इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों को नाप लेते हैं कितनी हो गई है, और ये लंबाई हम यहां से नापेंगे, ठीक है ऐसे। ये हो गई है, ये देखें 19 सेंटीमीटर, और ये चौड़ाई है उसे यहां से नापेंगे, और ये हमारे पास है 19.5 सेंटीमीटर। और अगर हम यहां से इसको नापते हैं तो ये देखिए यहां से ये कम नजर आएगी, यहां पर 18.5 सेंटीमीटर है, क्योंकि यहां से जो है डिजाइन की वजह से और सीधा उल्टा बुनने की वजह से जो है ये थोड़ा छोटा नजर आता है। तो इस तरह से आप अपनी वूल के अकॉर्डिंग जो है इसको मेजर करके बना सकते हैं। अभी हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। स्टिचिंग हम कुछ इस तरह से करेंगे, और इसको करेंगे फोल्ड इस तरह से। ऐसे फोल्ड करके हमें स्टिच करना है यहां से यहां तक का एरिया। देखिए यहां पर याद रखिएगा ये सीधी साइड है और हमें सिलाई सीधी साइड से ही करनी है, और उसके लिए अभी हमें क्या करना है, इस तरह से इसको करेंगे और ये जो स्टिच है इसके बीच में से हमें धागे को पास कर देना है, और ये जो स्टिच है ये वाला
यहां से इसको फिर से निकालेंगे और यहां पर देखेंगे बिल्कुल बराबर हो जाएगा, ठीक है। और फिर से हम यहां तक ले आएंगे इसे और ये स्टिच को उठाएंगे ऐसे और यहां से ये जो लाइन है, ठीक है, ये वाले स्टिच को ये उठा लें या ये उठा लें, ये लाइन के साथ लाइन जो है वो मिल गई है। अभी हमें क्या करना है, ये वाले धागे को हम नीचे की तरफ ले जाएंगे ऐसे और यहीं पर हम इसको करेंगे फोल्ड। और एक नोट हम लगाएंगे ऐसी, थोड़ा सा लंबा रख करके इस धागे को हम कट कर देंगे। अभी आगे की स्टिचिंग हम इस कलर के साथ करेंगे और ये यहां पर है तो यहीं से हम इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे सीधी तरफ और ये धागा हमें उल्टी तरफ ही रखना है ऐसे, इसको नीचे नहीं लेके जाना। अभी ये देखें, ये जो स्टिच है ना ये वाले, इसके बीच में से हमें स्टिच को उठाना है ऐसे, और इधर से ऐसे, ये देखिए और यहां से देखेंगे ये एरिया हमने स्टिच कर लिया है। अभी यहां से स्टिच को उठाएंगे और ये जो लाइन है अभी हमें करनी है इस तरफ की स्टिचिंग, तो उसके लिए हमें यहां से यहां तक पहले स्टिच करना है फिर हम ये वाला एरिया स्टिच करेंगे, ठीक है।
ये देखिए जी, यहाँ तक हमने स्टिच कर लिया है। ये वाला एरिया आप पैर में डालकर देख सकते हैं, उतना ही आप यहाँ से स्टिच करें, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम इसको जो है पक्का कर देंगे। ये देखिए ऐसे हमने स्टिच जो है वो उठाए थे, और एक जो है वो इधर से, तो ऐसे और एक इधर से, ठीक है। तो इस तरह से हमने स्टिच जो है वो सारे उठाए थे और फिर इसको खींच दिया, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी यहां पर ऐसे फिर से जो है इसको निकाल देंगे, तो ये कंप्लीट हो गया। एक बार और निकालते हैं, पहनने के बाद ये कुछ इस तरह से नजर आएगी। और ये देखिए बीच बीच में ये वाला धागा भी नजर आएगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।